तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आयुष्मान कार्ड के बारे में, क्योंकि आयुष्मान कार्ड की जरूरत हर किसी को है और ये हर किसी की जरूरत बन चुका है। पर होता क्या है, जब हमें इसकी जरूरत पड़ती है हम इसको घर में ढूंढते हैं, या तो कहीं पे खो जाता है या फिर कहीं फटा मिलता है, फिर हम इसको कहीं निकालने के लिए जाते हैं, तब भी हमारे साथ एक प्रॉब्लम आ जाती है कि या तो हमारे नंबर पर OTP नहीं आता है क्योंकि वो नंबर बंद हो चुका होता है। बात करते हैं फिर फिंगरप्रिंट की, तो फिंगरप्रिंट भी हमारा नहीं आता है। अब आदमी सोचता है हमें करना क्या है और ज़रूरत भी है। तो आप जिस वीडियो को आपको देख रहे हैं, ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा, ना ही मोबाइल नंबर की ना ही फिंगरप्रिंट की, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप फेस दिखाकर ही आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, अपने मोबाइल फ़ोन से ही आप अपना या अपनी फैमिली का किसी का भी फेस दिखाकर ही उसका आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं किस तरीके से ये सब। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है आयुष्मान ऐप। तो इस एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से इजीली मिल जाएगी, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है और इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलने वाला है, हम इसको ओके कर देंगे। यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ से आपको बेनिफिशियरी और ऑपरेटर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये जो है CSE वालों के लिए है जिनके उन्होंने अपनी ID बना रखी है और वेरीफाई करवा रखी है। तो अगर ये सब नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो इसके ऊपर भी मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, तो हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया है और इसको सिंपली आपको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर मोड देखने को मिलेगा, मोड में आप यहाँ पर मोबाइल OTP या फिर आधार OTP कर सकते हैं। तो चलिए मोबाइल OTP कर देंगे। यहाँ पर आपके नंबर पर एक OTP आ गया है, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद नीचे आपको कैप्चर कोड देखने को मिलेगा, उस कैप्चर को यहाँ पर फिल कर देना है। ये सब हमने फिल कर दिया है। फिल करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर स्कीम आएगी, स्कीम में आपको PMJY कर देना है। स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सब स्कीम में NFSC कर देना है, यानी कि हम राशन कार्ड से सर्च करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर हम फैमिली ID सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम अपना राशन कार्ड नंबर डाल देंगे, राशन कार्ड नंबर हमने डाल दिया है, सिंपली आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर नीचे जितने भी राशन कार्ड इनके राशन कार्ड से आयुष्मान कार्ड बने होंगे वो यहाँ पर सारे दिख जाएंगे। तो चलिए अब हम डाउनलोड करते हैं इसको, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आप। और यहाँ पर जितने भी हैं, अगर आप सबको एक साथ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सब पर चेक मार्क लगा दें, हमें सिर्फ अभी एक डाउनलोड करना है। तो हम यहाँ पर इस पर टैग करेंगे और यहाँ पर रोहित पर इस पर टिक कर देंगे। अब नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, आधार OTP का, फिंगरप्रिंट का, आईरिस का और फेस अथेंटिकेशन का। तो यहाँ पर जो है आधार OTP वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर भी कभी कभी ऐसा होता है मोबाइल नंबर नहीं होता या फिर फिंगरप्रिंट नहीं आता है, आईरिस हर किसी के पास नहीं होती है। बात करते हैं फेस अथेंटिकेशन के, आप फेस से किस तरीके से इसको आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड करेंगे, तो इसको हम टिक करेंगे, इसको हम वेरीफाई कर देंगे। नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे, अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। अब जो भी आपकी जिस बंदे का ID है उसका यहाँ पर OTP आ जाएगा। अब आपको जिसका बनना है उसको यहाँ पर सामने खड़े करेंगे, सामने करना, पलक झपकाना। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब हमें यहाँ पर OTP को फिल कर देना है। तो हमने ये डाल दिया है और यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर फेस से ही आयुष्मान कार्ड को यहाँ पर डाउनलोड कर दिया है। और अब इसको हम यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओके करेंगे और हमारा जो आयुष्मान कार्ड है वो डाउनलोड हो चुका है। तो देख सकते हैं हमें कोई OTP की ज़रूरत नहीं पड़ी, फिंगरप्रिंट की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो इसी तरीके से आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से ही फेस से ही आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही जगह बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।